सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम आपके लिए लाए हैं अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट ऑफ रॉयल एनफील्ड। आज है हमारे पास ऑल न्यू हिमालयन 450 के सभी वेरियंट्स। तो आज हम इनकी सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे एंड अपडेटेड प्राइस के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपको पता चल सके अगर आपको हिमालयन 450 परचेज करनी है तो कौन सा वेरियंट कंसिडर करना चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग एज ऑलवेज स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़ द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो दिस इज़ द ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को एंड सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस अपडेट एंड हर वेरिएंट में आपको क्या प्राइस डिफरेंस मिलता है उसके बारे में। तो प्राइस अपडेट अभी रिसेंटली हुआ है जनवरी में, तो हर वेरिएंट में अप टू 15,000 रुपीज़ का प्राइस हाइक हुआ है। तो आपको एक्स शोरूम प्राइस में 15,000 रुपये अब ज़्यादा देने होंगे हर वेरिएंट में। तो ये थी एक छोटी सी प्राइस अपडेट। अब हम बात करते हैं प्राइस डिफरेंसेस की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, तीन वेरिएंट्स ऑफर होते हैं हिमालयन 450 में। दिस इज़ द बेस वेरिएंट, दिस इज़ मिड वेरिएंट जो कि है पास, एंड दिस इज़ द टॉप वेरिएंट जो कि है समिट। स्टार्ट करते हैं बेस वेरिएंट से। तो यहाँ पे आपको सिंगल कलर ऑफर होता है, दिस इज़ काजा ब्राउन एंड ये बिल्कुल सॉलिड कलर है। इसमें कोई ज़्यादा ग्राफिक्स हैं ना कोई ज़्यादा डिटेल्स हैं। इसकी प्राइस है ₹2,85,000 एक्स शोरूम। तो ये थी बात इसकी प्राइस की। कमिंग टू द मिड वेरिएंट, तो ये है पास वेरिएंट एंड इसमें आपको दो कलर्स ऑफर होते हैं। दिस वन इज स्लेट हिमालयन सॉल्ट, एक इसमें आपको मिलता है स्लेट पॉपी ब्लू। तो ये दो कलर्स मिलते हैं। इसकी प्राइस है ₹2,89,000 एक्स शोरूम। तो यहाँ पे आपको बेस और मिड वेरिएंट में ₹4,000 का डिफरेंस मिलता है। कमिंग टू द टॉप वेरिएंट समिट, इसमें भी आपको दो कलर्स ऑफर होते हैं बट दोनों कलर्स में भी आपको डिफरेंस मिलता है प्राइस डिफरेंस। एक कलर है इसमें कैमेट वाइट जिसकी प्राइस है ₹2,93,000 एक्स शोरूम, एंड दिस इज़ द टॉप एंड वेरिएंट जो कि है हानले ब्लैक, इसकी प्राइस है ₹2,98,000 एक्स शोरूम। तो ये थी प्राइजेस की बात। टॉप वेरिएंट एंड बेस वेरिएंट की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ₹13,000 का प्राइस डिफरेंस मिलता है एंड मैकेनिकली कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे आपको ग्राफिक्स एंड कलर्स का जो मेन डिफरेंस है वो मिलेगा। सो ये थी बात इसकी एंड अब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं वॉक अराउंड बेस वेरिएंट का जो कि है ये काजा ब्राउन। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा LED सेटअप मिलता है एंड ऑल LED सेटअप मिलता है आपको। सभी चीज़ें LED हैं, टर्न इंडिकेटर्स LED हैं, टेल लाइट LED है, हेडलैम्प भी यहाँ पे आपको LED मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छी छोटी सी ये विंड स्क्रीन मिल जाती है, इसमें आप बड़ी भी लगवा सकते हैं, वो भी आपके पास एक ऑप्शन मिलता है। तो ये है इसका फ्रंट। उसके अलावा यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे आपको ये ट्विन मडगार्ड मिलते हैं, सो एडवेंचर बाइक है सो इसकी वजह से ये है। एंड यहाँ पे आपको USD फॉक्स मिल जाते हैं शोवा के, तो ये भी एक बहुत अच्छी अपडेट है पुरानी हिमालयन से। यहाँ पे आपको ये हिमालयन की बैजिंग भी मिलती है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और यहाँ से काफ़ी अच्छी लगती है मोटरसाइकिल। सो ये थी बात इसकी। कमिंग टू द फ्रंट व्हील, सो यहाँ पे आपको स्पोक व्हील ऑफर होते हैं सभी वेरिएंट में एंड इसमें आपको ट्यूब टायर का ऑप्शन मिलता है। ट्यूबलेस स्पोक व्हील अभी कंसीडरेशन में है, अभी तक उनके बारे में कोई अपडेट नहीं आई है, जैसे ही आएगी हम आपको चैनल पर बता देंगे। सो ये थी बात इसकी। टायर सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 90x90 21 इंच का ये स्पोक व्हील है एंड यहाँ पर आपको रिम ब्लैक फिनिश में मिल जाती है। तो ये इसका डिज़ाइन है। उसके अलावा ब्रेकिंग की अगर बात करें तो फ्रंट में डिस्क है, पीछे भी डिस्क मिल जाती है। फ्रंट डिस्क है मैसिव 320mm की, पीछे वाली मिलती है आपको 280mm की एंड इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है हर वेरिएंट में, सभी वेरिएंट में एज ए स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS एंड आगे पीछे डिस्क आपको मिलने वाली है। बाइबर के कैलिपर्स मिल जाते हैं। तो ये थी इसकी फ्रंट व्हील सेटअप की बात। डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस भी सभी में सिमिलर मिलते हैं। 1510mm का व्हील बेस मिलता है एंड इसमें आपको मैसिव 230mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। सीट हाइट की बात करें तो एडजस्टेबल सीट हाइट है, अभी है 825mm, इसको आप बढ़ा सकते हैं अप टू 845mm। तो ये थी बात इसकी। कर्व वेट की अगर बात करें तो 196kg का कर्व वेट मिलता है हिमालयन 450 में। सो ये थी बात इसकी। नाउ कमिंग टू दिस एंड यहाँ पे कुछ एसेसरीज़ भी लगी हुई हैं, उसकी भी मैं प्राइस आपको बता देता हूँ। मोटी मोटी प्राइस पता है मुझे, जैसे कि यहाँ पे आपको ये मिल जाता है रेडिएटर गार्ड, यहाँ पे आपको रेडिएटर मिलता है बिकॉज दिस इज़ द ऑल न्यू शेरपा 450 लिक्विड कूल्ड इंजन।
एंड इसका एक गार्ड की प्राइस मैं बता देता हूँ, लगभग 1950 रुपए का एक गार्ड है। उसके अलावा ये एक इंजन गार्ड भी लगा हुआ है, इसकी प्राइस है अप्रोक्स 4900 के आसपास इसकी प्राइस है। तो ये भी एक अच्छी सेफ्टी की एसेसरी आपको मिल रही है इसके अंदर, तो ये आप लगवा सकते हैं। इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑल न्यू इंजन मिलता है, ऑल न्यू चेसी मिलता है, ऑल न्यू फ्रेम मिलती है। यहाँ पे आपको 450 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6 फेस 2 कंप्लाइंट ये इंजन मिलता है। 40 PS पावर जनरेट करता है एंड 40 न्यूटन मीटर टॉर्क है। एंड अगर आपको इसकी परफॉर्मेंस वीडियो देखनी है तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। ब्लैक आउट फिनिश में इंजन है एंड लगभग सभी पार्ट्स यहाँ पे ब्लैक आउट फिनिश में मिलते हैं, तो इस कलर के साथ काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं ये सब चीज़ें। तो ये थी बात इसकी। नाउ कमिंग टू द टैंक, तो टैंक पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल सॉलिड टैंक मिलता है, कोई ग्राफिक्स नहीं है, बिल्कुल प्लेन। आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं इसमें ग्राफिक्स करवाने के, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवाने के। बस यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड हिमालयन की बैजिंग मिल जाती है एंड 17 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको मिलती है। फ्यूल लिड ओपनर कुछ इस तरह का मिलता है। सो ये थी बात इसकी। काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश दे रखी है हिमालयन 450 में, पहले से तो काफ़ी बेटर हो चुकी है। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पहले चाबी दिखा देता हूँ। वेव की मिलती है इसके अंदर आपको, इसको इंसर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे ऑल न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है हिमालयन 450 में। ये देखिए पूरा डिजिटल है, बट इसमें भी दो मोड हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। सो अभी देखिए ये इस तरह से टैकोमीटर यहाँ पे मिल जाता है, स्पीडोमीटर यहाँ पे मिल जाता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर यहाँ पे है, फ्यूल गेज भी काफ़ी स्टाइलिश यहाँ पे दे रखा है, होपफुली आपको दिख रहा होगा। इस एंगल से दिखाता हूँ। सो यहाँ पे टाइम है, टेम्परेचर है एंड एवरीथिंग। एंड इसको आप यहाँ से, ये मोड है, मोड अगर आपको चेंज करना है तो इसको लॉन्ग प्रेस करना है एंड यहाँ पे ये मोड चेंज हो जाएगा। सो ये हो गया आप डिजिटल मोड, पहले वाला था एनालॉग। एंड उसके अलावा यहाँ पे आपको एक स्विच मिलता है, इससे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। होम पे जाना है तो ये कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक जॉयस्टिक मिलती है, इससे आपको ट्रिप 1 और ये सब चीज़ें पता चलती हैं, ट्रिप 2, फ्यूल रेंज, फ्यूल कंजप्शन, बैटरी का वोल्टेज पता चल जाता है, इंजन टेम्परेचर आपको पता चल जाता है। सो इस जॉयस्टिक से काफ़ी कमाल कर सकते हैं। अभी इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको सभी चीज़ें बता दूंगा इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या मिलता है। सो ये थी बात इसकी। एंड इसमें आपको मैप भी यहीं मिल जाते हैं, सो ये भी एक अच्छी बात है। हैंडल बार की बात करें तो काफ़ी चौड़ा हैंडल बार है एंड इसकी भी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी दे रखी है। उसके अलावा स्विचेस नेक्स्ट लेवल हैं, काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश इनकी है। ग्रिपिंग अच्छी है, क्लच लीवर, ब्रेक लीवर काफ़ी स्मूथ है। उसके अलावा ब्लैक फिनिश में रियर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं। नाउ कमिंग टू द सीट, तो इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है एंड इसका भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है एंड सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा है, वो एक सबसे बड़ी बात है। 825 mm की सीट हाइट है, तो नॉर्मल 5-8 की भी अगर किसी की हाइट होगी ना तो उसको भी चलाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सो ये थी बात इसकी। एंड पिलियन के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। एंड एक और मैसिव एसेसरी इसमें लगी हुई है, वो है टॉप बॉक्स। इसकी प्राइस मैंने अभी देखी थी, लगभग ये आपको मिलेगा 27,000 या 26,000 रुपये का है। 23,500 का तो ये टॉप बॉक्स है। एंड इसकी जो माउंटिंग है ये 2,500 की है, तो लगभग 26,000 रुपये का आपको ये पूरा सेट मिलेगा। एंड इससे आप जब टूरिंग करेंगे ना तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी सामान रखने में, कपड़े रखने में, अपना लैपटॉप रखने में, अपने गैजेट्स रखने में, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। सो ये थी बात इसकी। नाउ कमिंग टू द रियर पार्ट, पीछे यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एक छोटा सा स्लीक सा एग्जॉस्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है एंड कुछ इस तरह की फिट एंड फिनिश है। एंड ये जो टायर्स है ना, आगे वाला है पीछे वाला, दोनों की अगर बात करें तो C8 ने स्पेशली बनाए, रॉयल एनफील्ड के साथ डिज़ाइन करें ये, तो स्पेशली डिज़ाइन फॉर हिमालयन 450। 140x80 R17, 17 इंच का रियर व्हील है, स्पोक है, ब्लैक आउट फिनिश है। उसके अलावा पीछे वाली डिस्क भी काफ़ी बड़ी है, 280mm की डिस्क है। एंड पीछे से देखिए अपीयरेंस, मैसिव। तीनों ही मोटरसाइकिल्स काफ़ी शानदार लग रही हैं। एंड इसमें आपको टेल लैंप बिल्कुल यूनिक जगह मिलती है, टर्न इंडिकेटर्स के साथ इंटीग्रेटेड। तो ये भी मैंने पहली बार देखा ये वाला कॉन्सेप्ट, रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी अच्छा R&D किया है इसके ऊपर। सो ये थी बात इसकी। रॉयल एनफील्ड की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर मिलता है, रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस है, साड़ी गार्ड मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिलता है। सो ये था ओवरऑल वॉक अराउंड बेस वेरियंट का। ये है काजा ब्राउन द बेस वेरियंट। नाउ कमिंग टू द मिड वेरियंट, तो मिड वेरियंट में मैकेनिकली कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस की बात हम करते हैं तो यहाँ पे भी आपको व्हील कुछ ऐसे ही मिलता है ब्लैक फिनिश में, बट इसमें आपको ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं। सो ये देखिए पिंक फिनिश में है,
यहाँ पे भी आपको ये कुछ ग्राफिक्स मिल जाते हैं। तो ये कुछ नियॉन टाइप दे रखा है, हिमालयन सॉल्ट इसको नाम दिया है। सो यही बात इसकी, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग कुछ इस तरह की है, इसमें आपको वाइट कलर की मिल रही है। सो ये एक डिफरेंस है। उसके अलावा एक कलर काफ़ी शानदार लग रहा है ग्रे फिनिश में, ये मेटेलिक है एंड मतलब ग्लॉसी है ये कलर, और ये वाला है मैट फिनिश में। सो ये भी एक डिफरेंस है। उसके अलावा हिमालयन की बैजिंग यहाँ पे भी पिंक कलर की है। सो ये सब चीज़ें आपको डिफरेंट मिलती हैं, यहाँ पे भी आपको कुछ ये डिटेलिंग मिल जाती है। सो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा इसकी सीट काफ़ी डिफरेंट है, कैन सी यहाँ पे आपको ये डुअल टोन में सीट मिल रही है, ब्लैक एंड ग्रे फिनिश। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ ब्लैक फिनिश में मिल रही है, यहाँ पे ग्रे एंड ब्लैक फिनिश है। तो ये एक छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, छोटी डिटेलिंग है। यहाँ पे भी देखिए पिंक कलर दे रखा है हिमालयन सॉल्ट का। तो ये डिटेलिंग की वजह से बेस वेरिएंट और मिड वेरिएंट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। सो ये थी बात इसकी। नाउ कमिंग टू द टॉप वेरिएंट, इसका आज हमारे पास कैमेट वाइट नहीं है, बट दिस इज़ द हानले ब्लैक एंड दिस इज़ द टॉप एंड वेरिएंट। इसमें काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं। सो स्टार्ट करते हैं व्हील से। तो यहाँ पे आपको गोल्ड फिनिश में रिम मिलती है और इसी की वजह से काफ़ी प्रीमियम लगती है मोटरसाइकिल। एंड उसके अलावा इसकी थीम भी यहाँ पे ब्लैक एंड येलो फिनिश में है, या फिर आप बोल सकते हैं ब्लैक एंड गोल्ड फिनिश में है। यहाँ पे हिमालयन की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे भी गोल्ड फिनिश मिलती है, रॉयल एनफील्ड भी येलो फिनिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ डिटेलिंग है। सो ओवरऑल ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे हिमालयन गोल्डन फिनिश में है, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में मिलता है, एंड यहाँ पे आपको मिलता है वाइट में। तो ये एक डिफरेंस और है। सो मैकेनिकली कोई चेंजेस नहीं है, बट ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं। पीछे वाला टायर देखिए, पीछे वाला व्हील कितना अच्छा लग रहा है गोल्डन फिनिश में। सो ये सब चीज़ें हैं, सो माइनर डिफरेंसेस हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे आपको कलर ऑप्शन अगर चूज़ करना है तो कलर्स की लिमिटेशन है। अगर आपको ब्लैक लेना है तो आपको टॉप वेरिएंट लेना होगा, वाइट लेना है तो भी टॉप वेरिएंट लेना होगा, ग्रे लेना है तो आप इस पे आ सकते हैं मिड वेरिएंट पे। एंड अगर आपको बिल्कुल बेसिक कलर लेना है तो आप ये ले सकते हैं, सेल्फ कस्टमाइजेशन अगर आपको करवाना है तो। सो ये थे ओवरऑल तीनों वेरिएंट हिमालयन 450 के, होपफुली अब आपको पता चल गया होगा। सो आज हमारा ये वीडियो बनाने का मेन मोटो यही था कि आपको पता चल सके सभी वेरिएंट्स में डिफरेंस क्या मिल रहा है एंड प्राइस में क्या डिफरेंस है। तो मोटा मोटी प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बेस और टॉप में थोड़ा 13,000 का डिफरेंस है एक शोरूम प्राइस में, बट अगर आपको ब्लैक कलर लेना है तो आपको 13,000 रुपये ज़्यादा पे करने होंगे। सो ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट हिमालयन 450 ऑल वेरिएंट्स। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज़।